बड़े व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर दर्शन चल रहे हैं। व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से यहाँ पर पीएसी, सीआरपीएफ, आरएफ की टुकड़ी और हमारी सिविल पुलिस सभी मौजूद हैं। दर्शन में कोई परेशानी नहीं होगी, मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। 23 तारीख से मंदिर लोगों के लिए खोल दिया गया है। चूँकि शुरुआती दिनों में काफ़ी संख्या में विभिन्न प्रदेशों से लोग आते हैं, इसलिए काफ़ी संख्या होने की वजह से थोड़ी देर लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, और परंतु जितने भी लोग आए सभी ने दर्शन किया। और आप देख रहे हैं कि बड़े व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर दर्शन चल रहे हैं। लोगों के मंदिर तक पहुँचने के लिए मार्ग निर्धारित किया गया। इस निर्धारित मार्ग पर लेन्स बनाई गई हैं जिनमें पंक्तिबद्ध होकर सभी लोग जा रहे हैं, लगातार चलते हुए अनवरत दर्शन कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो रही है। आपके माध्यम से सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अपना सामान, पोटली, सूटकेसेस, बैग्स आदि जहाँ ठहरे हैं वहीं पर छोड़ कर आएँ। यदि रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो वहाँ पे क्लॉक रूम में रख कर आएँ। बस स्टैंड पर भी क्लॉक रूम बनाए गए हैं, सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। फिर भी यदि कुछ लोगों का सामान उनके पास रह जाता है तो उचित होगा, और यही निर्देश यहाँ दिया भी गया है कि परिसर में जो पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर, नागरिक सुरक्षा सुविधा केंद्र बनाया गया है, उसमें लॉकर्स हैं, वहाँ पर सामान आप रख सकते हैं। लॉकर रखकर अपना टोकन लेकर तत्पश्चात लौटते समय, दर्शन करके लौटते समय वहाँ से अपना सामान पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और यहाँ पर मंदिर में अन्य लोगों को भी आपके सामान की वजह से किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चूँकि काफ़ी संख्या में लोगों का आना अपेक्षित था, आ रहे थे, व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से यहाँ पर पीएसी, सीआरपीएफ, आरएफ की टुकड़ी और हमारी सिविल पुलिस सभी मौजूद हैं। ये फोर्स लोगों की मदद करने के लिए, उनको आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए, उनको पंक्तिबद्ध तरीके से कम समय में दर्शन कराने के लिए जो व्यवस्था बनानी है उसके लिए बुलाई गई है। अन्य किसी प्रकार की कोई परेशानी अन्य लोगों को ना हो, असामाजिक तत्वों को हम रोकें, उनको चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकें, ये भी हमारे इस फोर्स का एक मुख्य काम है जो भली भांति इस कार्य को कर रही है। देखिए, लोग बड़ी श्रद्धा से आ रहे हैं, लोग अपने श्रद्धा और भावना की वजह से रात्रि में भी आकर खड़े होते हैं। जहाँ आकर खड़े होते हैं वहाँ से हम उन्हें हटा तो नहीं सकते। हम जानते हैं कि उनके मन में श्रद्धा है, वो चाहते हैं कि सुबह 7 बजे जब दर्शन प्रारंभ होता है तो बिना किसी देरी के वो सबसे पहले दर्शन कर पाएँ। उनके जल्दी आकर या खड़ा होने के निर्णय उनका अपना है, इसमें हम कोई उन्हें जो है किसी किस्म से अन्य निर्देश अपनी तरफ से नहीं दे सकते। बस यही कहना चाहते हैं, सर्दी का मौसम है, अपनी तबीयत का ख्याल रखें, इस प्रकार से अपना कार्यक्रम बनाएं कि उन्हें अनावश्यक परेशान ना होना पड़े। फिर भी यदि लोग ऐसे इकट्ठे होते हैं तो उनके लिए प्रशासन द्वारा अलाव लगाए गए जगह जगह, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार का सर्दी में मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अगर देरी से भी लोग आते हैं, रात्रि में नहीं भी आते हैं, तो भी मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि उन्हें दर्शन करने में कोई असुविधा नहीं होगी। अगर वो इस वजह से जल्दी आके खड़े हो रहे हैं, आधी रात में खड़े हो रहे हैं कि बाद में पहुँचेंगे तो दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि बाद में पहुँचेंगे तो भी दर्शन कर पाएंगे। ज़रूर ज़रूर अपना कार्यक्रम बनाएं, अगर बनाते हैं तो इस विश्वास के साथ बनाएं कि दर्शन में कोई परेशानी नहीं होगी, मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ।